film तो I can make तेरी मेरी technically film भी you can't make तेरी मेरी फिर भी तो हम पूछेंगे ना कि why did you make this केडी मेरी पिक्चर क्यों बनाई तुमने ओके स्टार्टिंग ऑफ विद द कैप्टन ऑफ द शिप यू नो थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे हमें नॉवल मैन के बारे में क्या है किस तरीके की स्टोरी होने वाली है वो तो हम थोड़ा बहुत ट्रेलर से जान ही चुके हैं लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरीके की स्टोरी होने वाली है कुणाल किस तरह से फिल्म है इसके बारे में तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर बेस्ड है कहानी लेकिन ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल में सेट है बुलिंग के मुद्दे को डेफिनेटली हाईलाइट करती है बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रियल सिनेमा नॉट अ इट्स नॉट पुट इन गुड वर्ड्स प्लेजेंट फॉर्म लाइक दैट कुणाल एक टीचर हैं ड्रामा टीचर जो जिनके जिसके पास्ट के बारे में हमने ज़्यादा बताया नहीं स्टोरी में तो स्लाइटली मिस्टीरियस कैरेक्टर जो स्लाइटली रिबेलियस टीचर भी है जिस तरह से स्कूल चल रहा है उस तरह से ये टीचर नहीं चलता है अपने ही मन से कुछ करते हैं और उसकी वजह से ही ऑल्सो गेट सम फ्लैक फ्रॉम अदर टीचर्स एंड या दैट्स द बेसिक तुम्हारा आप बताइए आपके किरदार के बारे में जी मेरा किरदार जिसे उन्होंने कहा एक ड्रामा टीचर फिलहाल जो है बच्चों को मर्चेंट ऑफ वेनिस की तैयारी करा रहा है प्ले होने वाला है उसकी तैयारी करा रहा है और उसके जो सिखाने का तरीका बहुत अनऑर्थोडॉक्स है वो उनका मानना है कि जिस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है वो गलत है और एक पूरा नया सिस्टम लाना चाहिए और उसकी वजह से बच्चे जो हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं लेकिन जो क्या कहते हैं दूसरे टीचर्स हैं उनके साथ इनकी अनबन होती है रहती है और मुझे याद है हम सबका स्कूल में एक फेवरेट टीचर हुआ करता था या हुआ करती थी तो ये वो है सब बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनका सिखाने का तरीका जो है वो बहुत अलग है सबसे आप बताइए कि यू नो हाउ डिड कुणाल केम इनटू द फिल्म वाज ही द फर्स्ट चॉइस आप हमेशा से चाहती थी कि वो इस फिल्म में काम यस आई ऑलवेज वांटेड कुणाल इफ वी हैड नॉट गॉट कुणाल तो हम दूसरे एक्टरों को अप्रोच करते आई थिंक आई वांटेड समबडी ये जो बोले कि स्लाइटली रिबेलियस टीचर आई थॉट ही हैज दैट समवेयर इन हिज फिजिकैलिटी देयर वाज अ फिजिकल थिंग आल्सो ऑफ कोर्स नंबर वन रीजन बहुत अच्छे एक्टर हैं fine actor is so but I wanted somebody tall I wanted somebody pretty I actually needed somebody pretty for this part so yeah and you are playing the teacher for the first time I am playing a teacher for the first time yes so kaisa raha experience bachcho ke sath kaam karne ka bahut maza aaya I mean ek to Shakespeare mere jaise kehte hain mujhe bahut pasand hai unke sare natak padh chuka hu main bahut baar to ek Shakespeare ka teacher play karna wo bahut bahut exciting tha dusra लकीली हमने बच्चों के साथ एक वर्कशॉप की दो हफ्ते पहले पिक्चर की शुरुआत के दो हफ्ते पहले तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का काम उनके साथ बैठने का उठने का घुल मिलने का एक्टिंग एक्सरसाइजेस करने का तो वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे तो शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों और जो टीचर हैं उनके बीच में केमिस्ट्री हो और ये वर्कशॉप की वजह से वो केमिस्ट्री डेवलप हुई और यू नो वी वर एबल टू ब्रिंग दैट ऑन स्क्रीन आपसे जानना चाहेंगे इतना टाइम क्यों लगा दिया फिल्म लिखने में डायरेक्ट करने में बिकॉज यू वर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन डिजाइन में यू वर डूइंग प्रीटी वेल तो आप पहले भी आ सकती थी इस चीज़ में लेकिन टाइम कहीं ना कहीं लगा दिया क्या वजह रही इसकी गुड क्वेश्चन लेकिन आई थिंक पहले डर था जानती नहीं थी कि मैं लिख सकती हूँ कि नहीं डायरेक्ट कर सकती हूँ नहीं तो मालूम था क्योंकि मैं बहुत सारे एड्स एंड म्यूजिक वीडियोज कर रही थी प्रोडक्शन बट आई डेंट नो अगर मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट लिख सकती हूँ बट फाइनली बैठ के लिखी बट ये मेरी सेकेंड फिल्म है लिखने में एक्चुअली जो पहली फिल्म थी वो मैं अब सेकेंड बनाऊँगी जो पहली लिखी थी एंड ऑल्सो आई थिंक मे बी मुझे इतना बड़े होने की ज़रूरत थी और ताकि इस एज पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बोलने के लिए शेयर करने के लिए एंड अब मैं अपनी कहानियाँ शेयर करूँगी शायद अगर 10 साल पहले बनाई होती तो पता नहीं शायद आई हैव मेड जस्ट अ फिल्म फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ फिल्म बट आई नो टुडे आई विल ओनली टेल स्टोरीज जो मुझे छूती है दैट मींस समथिंग एज यू सेड यू नो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंस्पायर्ड है कितना अलग है फिल्म
या पूरी तरीके से सिमिलर होने वाला है या कितना अलग होने काफी वाला अलग है? है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल प्लॉट स्ट्रक्चर एटसेट्रा, लेकिन जो थीमेटिक्स है मर्चेंट ऑफ वेनिस के वो पूरी तरह से हैं। कैरेक्टर्स भी हैं लाइक शाइलॉक है, बसानियो है, अंतोनियो है, पोशिया है, तो है। बट आप देखेंगे एंड इफ यू पीपल अगर ऑडियंस ने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है तो मेरे लिए आप लोगों का सुनना इट विल बी नाइस टू हियर एंड नो कि आप लोगों को क्या समझ आया, व्हाट इज द कनेक्शन, कनेक्शन मिला भी कि नहीं। बट स्पिन है सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन थीमेटिकली सब कुछ वैसा ही होता है। आपसे जानना चाहेंगे यू नो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले देखा था, प्ले पढ़ा था, क्योंकि यू नो हम जब जर्नलिज्म करने जाते हैं तो ये हम लोगों को एक चैप्टर में है यू नो हमें पढ़ाया था, तो हमें तो हमने पढ़ा है। आपसे जानना चाहेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले कब कब पढ़ी है या फिर कब पहले कब पढ़ा था? मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब 6-7 साल 8 साल पहले पढ़ा होगा पहली बार, नहीं ज्यादा ही एक्चुअली 10 साल पहले पढ़ा था पहली बार। और फिर पिक्चर भी आई थी एक जिसमें अल पचिनो थे, वो भी देखी थी मैंने। तो मैंने मुझे लगता है 10 साल पहले पहली बार पढ़ा था, फिर उसके बाद 6 साल पहले एक बार फिर से पढ़ा था, और फिर अब मौका मिला है इसमें काम करने का। ओके ऑल्सो यू नो फिल्म क्योंकि बुली पर है, आप कभी पर्सनली बुली हुए हैं स्कूल? वेल फॉर्चुनेटली नॉट, क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया यहाँ वहाँ पर बुलिंग का प्रचलन इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, और दूसरा अब इस क्वाइट पॉपुलर, तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मुझे बुली किया हो। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जिन्हें इसका सामना करना पड़ा स्कूल में कॉलेज में, और मुझे पता है कि इमोशनली और मेंटली उनको कितना इफेक्ट हुआ इसका। यू नो आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, यू फील हेल्पलेस, यू डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, क्योंकि आपको लगता है कि आप स्कूल जाओगे तो बच्चे आपको चढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। तो ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट होता है जो आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी आपको ये इफेक्ट करता रहता है। सो आई फील लाइक एज ए सोसाइटी यू नो वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। और ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है, बुलिंग हैपेंस एट होम ऑल्सो, इट हैपेंस इन आवर वर्क प्लेसेस ऑल्सो, यू नो। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप, एंड एज ए सोसाइटी वी नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट दिस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। किस तरीके से डील करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो? जी आई थिंक यू नो अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो इसे साइड स्टेप नहीं करना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में बहुत बार अक्सर होता है कि ये तो होता रहता है, या एक बहुत स्टूपिड चीज़ है कि बच्चे इससे टफ हो जाएंगे। हमें हमारे साथ भी हुआ था, हम टफ हुए, बच्चे और टफ हो जाएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक इंस्टीट्यूशंस नीड टू स्टेप इन एंड हैव वेरी वेरी सॉलिड रूल्स, एंड आई थिंक एज इंडिविजुअल्स एज मच एज वी कैन स्टैंड अप टू इट एंड से ये गलत है, और चाहे आपके साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा, इफ वी कैन स्टैंड अप अगेंस्ट इट आई थिंक दैट दैट दोज विल बी यू नो पॉजिटिव स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। ऑल्सो फिल्म बोर्डिंग स्कूल के बारे में भी बताते हैं और आप भी बोर्डिंग स्कूल से रह चुकी हैं, तो आप बताइए कि पर्सनली कुछ रेफरेंस पर्सनल जो आपके साथ में कभी कुछ हुआ है उस चीज़ को फिल्म में बताया है आपने या फिर ऐसा? एक्चुअली आई लाइक हिम, मैं भी बहुत लकी थी, खुशकिस्मत थी, बुरी तरह से बुली कभी नहीं हुई। एक इंसिडेंट है, लेट मी पुट इट दिस वे, जो सबसे पहला उसका शॉट है क्या ट्रेलर में? हाँ है, वो शॉट है वो जो कांटा डाला हुआ है बाथरूम में, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन वो एक इंसिडेंस गर्ल्स हमारे गर्ल्स स्कूल में, बट दिस इज बैक इन द 80s, आई एम अ ओल्ड पर्सन, 83 to 94, बट समवेयर देयर आई रिमेंबर देयर वाज अ रियली बैड बुली इन स्कूल। वो सीनियर ये करती थी, शी यूज्ड टू पुट फॉक डाउन पीपल्स माउथ्स, और शी यूज्ड टू टेल स्टूडेंट कि जाओ नलका निकाल के ले आओ, अब नलका नहीं निकाल सकते अपने हाथ से, तो पूरी रात आप बस नलका निकालने की कोशिश कर रहे हो। और बट हमारा स्कूल ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, उस टाइम जो प्रिंसिपल थी टू गेट टू सॉल्व दिस बुलिंग प्रॉब्लम, शी मेड द बिगेस्ट बुली द स्कूल कैप्टन, एंड द स्कूल कैप्टन कुड नॉट बुली एनी मोर, सो शी टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रिक्टेस्ट स्कूल कैप्टन्स इंस्टेड, सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग वे आवर टीचर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म दिस गर्ल, दे गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ दिस बुली एंड शी चेंज्ड। ओके फिल्म के अगर शूट की बात करें तो मसूरी में शूट किया गया है, तो किस कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल मसूरी का? जी ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाँ बहुत ज़्यादा थी, कुछ -5 था शायद, -4 -5,
हम सब बोर्डिंग स्कूल में रह रहे थे, जहाँ पे शूटिंग जो जहाँ पे शूटिंग हुई है वहीं पे रह रहे थे सब लोग. और इट वाज लाइक गोइंग बैक टू स्कूल. आप मतलब सुबह सुबह 5 बजे बाल्टी लेके खड़े हैं लाइन में नहाने के लिए, मेस में खड़े हैं खाना खाने के लिए. सो इट वाज, आई मीन इट वाज चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस? सेम, तो आई मीन आई थिंक ठंडी बहुत थी और हम लोग सब बोर्डिंग स्कूल में रह रहे थे डॉर्म्स में नेक्स्ट टू ईच अदर. प्राइवेसी कईयों ने हमने प्राइवेसी बनाई थी, वी आर पुटिंग अप दुपट्टास बिटवीन ईच अदर, बट वी वर ऑल रेडी बैक टू स्कूल. वो टफ भी था बिकॉज काफ़ी मेरे क्रू के लोग बुजुर्ग लोग भी थे, 70-72 ईयर ओल्ड. सो इट वॉज टफ ऑल्सो, लेकिन आई थिंक हम सबको बहुत मजा आया. छोटा सा यूनिट था, बहुत हिल मिल के काम किया है. सो इट वॉज गुड फन. वॉज इट डिफिकल्ट टू लाइक शूट विद किड्स, जो किड्स थे? नो, नॉट एट ऑल. जैसे मैंने कहा कि क्योंकि हमने एक वर्कशॉप कर चुके थे उसके पहले और हम लोग सब साथ में रहे थे, एक्टिंग वर्कशॉप की थी, एक्टिंग एक्सरसाइजेस की थी, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं. ये वर्कशॉप्स एंड ऑल कितने समय पहले से और कितने टाइम? 2 वीक्स के लिए हमने किया. ऑल द चिल्ड्रन, जो 5 बच्चे हैं इस फिल्म में, एंड कुणाल टुगेदर, एंड वी फॉर 2 वीक्स इन बॉम्बे. रोज हम लोग मिलते थे, रोज कुछ करते थे. Along with acting coach Prashant Singh for the first 4-5 days. उसके बाद we took over on our own. And yeah, and थोड़ा सा मसूरी पहुँच के, थोड़ा सा बच्चों के साथ. Also हमारे पास besides the 5 main kids, you will see, क्योंकि school है, you to show all the other children. So there are some hundreds of other children who are also there. उनके साथ भी थोड़ी सी workshops की, क्योंकि कुछ scenes थोड़े difficult थे. तो टू सेंसिटाइज देम कि देखो ये हम सिर्फ सीन कर रहे हैं, ये असली में नहीं हो रहा है, तो उनके साथ भी करनी पड़ती है. वंदना किस तरीके की डायरेक्टर? किस तरह की? बहुत अच्छी डायरेक्टर. यहाँ पर शांत लगती है, वहाँ पर उतना शांत नहीं है. इनकी एनर्जी लेवल कुछ 10 गुना बढ़ जाती है. और यू नो व्हाट्स वेरी नाइस अबाउट हर, इसकी मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना वो जानते हों कि उनको क्या चाहिए ना, क्योंकि एज एन एक्टर यू फील लाइक यू ऑन द राइट हैंड्स. लेकिन एट द सेम टाइम शी आल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो नोइंग व्हाट यू वांट बट आल्सो बीइंग डेमोक्रेटिक इनफ कि दूसरों को फ्रीडम दें. Also, आपने जब भी कोई भी फिल्म की है, यू नो इवन अदर फिल्म ना भी चली हो, तो आपके कैरेक्टर को स्पेशली बहुत अप्रिशिएट किया गया है हमेशा. सो डू यू थिंक ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोग अप्रिशिएट करेंगे? मैं चाहता हूँ कि पिक्चर चले. अगर हाँ, मुझे लगता है अप्रिशिएशन तो मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर मैंने जैसे कहा बहुत इंटरेस्टिंग है. क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं जो थोड़े रिबेलियस हों, अनऑर्थोडॉक्स हों, जो सोसाइटी को देखें और कहें कि इसमें ये चीज़ें सही नहीं है और हमें अलग तरीके से करनी चाहिए. तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को वो सब पसंद आएगा इस कैरेक्टर के. एंड इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ जेंटल कैरेक्टर, इज़ अ वेरी काइंड मैन. और जैसा वंदना ने कहा कि एक मिस्ट्री भी है कैरेक्टर में, क्योंकि आप जानते नहीं कौन है, कहाँ से आया है. उसके बारे में बातचीत होती रहती है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं उसके बारे में, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है. ओके, ऑल्सो यू नो जानना चाहेंगे कि एक टाइम के लिए आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, फिर अभी आप कर रहे हैं, मूवीज कर रहे हैं, अच्छे एक्टर हैं, उसके बावजूद क्या वजह रही कि यू नो आपने ज़्यादा फिल्में नहीं की, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की? क्योंकि जिस तरह की फिल्में मुझे चाहिए थी वो तो उस तरह की फिल्में मिली नहीं. जिस तरह के रोल मैं करना चाहता था उस तरह के रोल मिले नहीं. और मैंने डिसाइड किया था कि मैं काम सिर्फ काम करने के लिए नहीं करूँगा. मैं वही काम करूँगा जिसमें मेरा दिल होगा या मुझे जिसमें जो काम एक्साइटिंग लगे. तो उस तरह का काम मिला नहीं, तो इसलिए मैंने कम काम किया. लेकिन अब वो बदल चुका है. मुझे लगता है अब जिस तरह का काम मैं ढूंढ रहा था उस तरह का बहुत सारा काम आ रहा है मेरी तरफ. तो यू विल सी अ लॉट मोर. इफ यू कैन टेल अस कि किस तरीके का काम चाहते थे, जैसे you know? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं इस तरह का जॉनर का काम चाहता हूँ कि यही रोल करूँगा कि यही तरह की पिक्चर करूँगा. लेकिन आप जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते. या ये कैरेक्टर कोई नया कैरेक्टर है कि कोई आपको वही कैरेक्टर प्ले करवाना चाहता है जो आप पहले 4 बार कर चुके हैं. तो वो सब मुझे लगता है कि इट्स अ इंस्टिंक्टिव डिसीजन, इट्स नॉट समथिंग दैट यू सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट.
और अभी तो वेब सीरीज का भी टाइम आ गया है, वेब सीरीज के जी कंटेंट्स भी बहुत अच्छे होने लग गए हैं। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट्स योर थॉट ऑन कोई सीरीज वगैरह करने का इरादा है? सो एक्चुअली एक आई मीन टॉक्स एक सीरीज शायद मैं डायरेक्ट करूँगी। आई हैवन्ट साइन द डॉटेड लाइन, इसलिए उससे ज़्यादा बता नहीं सकती। और अपना मैं एक डेवलप करने की जस्ट सोची हूँ, तो एक इनिशियल आइडिया लिखा है, अभी उस पर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आई हैव आल्सो बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, दिस वन दैट आई हैव रियली लाइक्ड, तो होपफुली इन द नेक्स्ट 10-15 डेज वी विल बी एबल टू लॉन्च। डॉन 2 के हिस्सा आप रह चुके हैं, डॉन 3 के हिस्सा रहने वाले हैं? नहीं, बना डाल अभी पता नहीं खुद मुझे, से बना बननी चाहिए पिक्चर पहले, अभी तक मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई कि पिक्चर बन रही है नहीं बन रही, मैं उसका हिस्सा हूँ कि नहीं। अगर बनेगी और अच्छा रोल होगा जरूर करूँगा। ओके, बिसाइड्स दिस कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अभी मैंने एक पिक्चर ख़त्म करा हूँ जिसका नाम है कोई जाने ना, टी सीरीज की प्रोडक्शन, और नए डायरेक्टर हैं अमीन हाजी, उनकी पिक्चर है, एंड आई हैव अ चांस टू डू समथिंग आई नेवर डन बिफोर, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और यू नो आपका डायरेक्शन वगैरह में जाने का इरादा है कभी इन? नहीं अभी फिलहाल तो एक्टिंग, अभी आप कह रहे थे कि आप एक्टिंग इनफ करते नहीं, अब मैं करने वाला हूँ, फिर आप बोलो डायरेक्शन कीजिए, तो अभी नहीं मैं एक्टिंग ही करता। मतलब इन फ्यूचर है कुछ ऐसा सोचा होगा, है मुझे लगता है क्योंकि कि वो जैसे आई स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो जो जैसे कहते हैं कीड़ा, वो तो है जरूर। फिलहाल मैं कुछ कहानियों पे काम कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, जिसमें जो मैं एक्ट करना चाहूँगा, जिसमें मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगा, शायद नेक्स्ट स्टेप लॉजिकल जो होगा वो होगा डायरेक्शन। कुणाल, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना okay. चाहते हैं? बहुत सारे एक्टर्स, आई मीन फ्रॉम द न्यू गाइज सो मेनी, आई मीन रणवीर आई हैड अ चांस टू वर्क विद ब्रीफली, रणवीर इज अमेजिंग, वरुण फ्रॉम द ओल्ड गाइज, आमिर, विकी, आमिर आई वुड लव टू वर्क विद अगेन, आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, ऋतिक, ऋतिक इज अ फ्रेंड, फैंटास्टिक एक्टर, वुड लव टू वर्क विद हिम, सो मेनी ऑफ देम। ओके, सो अपनी फिल्म के बारे में हमारे ऑडियंसेस से कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ जाके देखिए एंड प्लीज़ हमें फिर बताना कैसी लगी। हाँ बस बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्लीज़ जाके देखिए और होपफुली आपको मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आया तो हमें बताइएगा कितना मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाटर शुड नॉट कम इन द रूम। चल वैंडी वैंडी चल। ओके, स्टार्टिंग अप विद द कैप्टन ऑफ द शिप, यू नो थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे हमें नॉवल मैन के बारे में, क्या है, किस तरीके की स्टोरी होने वाली है, वो तो हम थोड़ा बहुत ट्रेलर से जान ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरीके की स्टोरी होने वाली है, कुणाल किस तरह से फिल्म है इसके बारे में? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर बेस्ड है कहानी, लेकिन ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में सेट है, बुलिंग के मुद्दे को डेफिनेटली हाईलाइट करती है, बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रियल सिनेमा, नॉट अ इट्स नॉट पुट इन गुड वर्ड्स प्लेजेंट फॉर्म लाइक दैट। कुणाल एक टीचर हैं, ड्रामा टीचर, जो जिनके जिसके पास्ट के बारे में हमने ज़्यादा बताया नहीं है स्टोरी में, तो स्लाइटली मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो स्लाइटली रिबेलियस टीचर भी है, जिस तरह से स्कूल चल रहा है उस तरह से ये टीचर नहीं चलता है, अपने ही मन से कुछ करते हैं, और उसकी वजह से he also gets some flack from other teachers, and yeah, that's the basic. जी मेरे किरदार, जिसे उन्होंने कहा, एक ड्रामा टीचर है, फिलहाल जो है बच्चों को मर्चेंट ऑफ वेनिस की तैयारी करा रहा है, एक प्ले होने वाला है उसकी तैयारी करा रहा है, और उसके जो सिखाने का तरीका बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, वो उनका मानना है कि जिस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है वो गलत है, और एक पूरा नया सिस्टम लाना चाहिए, और उसकी वजह से बच्चे जो हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं दूसरे टीचर्स हैं उनके साथ इनकी अनबन होती है रहती है, और मुझे याद है हम सबका स्कूल में एक फेवरेट टीचर हुआ करता था या हुआ करती थी, तो ये वो है, सब बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनका सिखाने का तरीका जो है वो बहुत अलग है सबसे।
Yes, yes. I always wanted Kunal. If we had not got Kunal, तो हम दूसरे एक्टरों को अप्रोच करते. I think I wanted somebody, ये जो बोले कि slightly rebellious teacher, I thought he has that somewhere in his physicality. There was a physical thing also, of course, number one reason, बहुत अच्छे एक्टर हैं, fine actor है, so, but I wanted somebody tall, I wanted somebody pretty, I actually needed somebody pretty for this part. So, yeah, that's why. You're playing the teacher for the first time. I'm playing a teacher for the first time, yes. बहुत मजा आया. आई मीन एक तो शेक्सपियर मेरे जैसे कहते हैं मुझे बहुत पसंद है, उनके सारे नाटक पढ़ चुका हूँ मैं बहुत बार. तो एक शेक्सपियर का टीचर प्ले करना वो बहुत बहुत एक्साइटिंग था. दूसरा, लकीली हमने बच्चों के साथ एक वर्कशॉप की दो हफ्ते पहले, पिक्चर्स की शुरुआत की दो हफ्ते पहले, तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ बैठने का, उठने का, घुल मिलने का, एक्टिंग एक्सरसाइजेस करने का. तो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे. तो शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों और जो टीचर हैं उनके बीच में केमिस्ट्री हो, और ये वर्कशॉप की वजह से वो केमिस्ट्री डेवलप हुई, और यू नो वी वर एबल टू ब्रिंग दैट ऑन स्क्रीन. गुड क्वेश्चन. लेकिन आई थिंक पहले डर था, जानती नहीं थी कि मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, डायरेक्ट कर सकती हूँ नहीं, तो मालूम था क्योंकि मैं बहुत सारे एड्स एंड म्यूजिक वीडियोज़ कर रही थी ड्यूरिंग माई प्रोडक्शन. बट आई डिडंट नो अगर मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट लिख सकती हूँ. बट फाइनली बैठ के लिखी. बट ये मेरी सेकेंड फिल्म है लिखने में एक्चुअली. जो पहली फिल्म थी वो मैं अब सेकेंड बनाऊँगी, जो पहली लिखी थी. एंड ऑल्सो आई थिंक मे बी मुझे इतना बड़े होने की ज़रूरत थी, और ताकि इस एज पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बोलने के लिए, शेयर करने के लिए. एंड अब मैं अपनी कहानियाँ शेयर करूँगी. शायद अगर 10 साल पहले बनाई होती तो पता नहीं, शायद आई वुड हैव मेड जस्ट अ फिल्म फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ फिल्म. बट आई नो टुडे आई विल ओनली टेल स्टोरीज जो मुझे छूती है, यू नो, दैट मीन समथिंग टू मी. एज यू सेड, यू नो, कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंस्पायर्ड है. कितना अलग है फिल्म, काफ़ी अलग है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल प्लॉट स्ट्रक्चर एट्सेट्रा. लेकिन जो थीमेटिक्स है मर्चेंट ऑफ वेनिस के, वो पूरी तरह से हैं. कैरेक्टर्स भी हैं, लाइक शाइलॉक है, बसानियो है, अंतोनियो है, पोशिया है, तो हैं. बट आप देखेंगे, एंड इफ़ यू पीपल, अगर ऑडियंस ने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है, तो मेरे लिए आप लोगों का सुनना, इट विल बी नाइस टू हियर एंड नो कि आप लोगों को क्या समझ आया, व्हाट इज़ द कनेक्शन, कनेक्शन मिला भी कि नहीं. बट स्पिन है, सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन थीमेटिकली सब कुछ वैसा ही होता है. तो मैं आपसे जानना चाहिए, प्ले देखा था, प्ले पढ़ा था, क्योंकि यू नो हम जब जर्नलिज्म करने जाते हैं तो ये हम लोगों को एक चैप्टर में है, यू नो, हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले हमें पढ़ाया था, तो हमें तो हमने पढ़ा है. आपसे जानना चाहेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले कब कब पढ़ी है, या फिर कब पहले कब पढ़ा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा. मतलब 6-7 साल 8 साल पहले पढ़ा होगा पहली बार, नहीं ज़्यादा ही, एक्चुअली 10 साल पहले पढ़ा था पहली बार. और फिर पिक्चर भी आई थी एक जिसमें अल पचिनो थे, वो भी देखी थी मैंने. तो मैंने, मुझे लगता है 10 साल पहले पहली बार पढ़ा था, फिर उसके बाद 6 साल पहले एक बार फिर से पढ़ा था, और फिर अब मौका मिला है इसमें काम करने का. ओके, आल्सो यू नो द फिल्म क्योंकि बुली पर है, आप कभी पर्सनली बुली हुए हैं? वेल फॉर्चुनेटली नॉट, क्योंकि जिस स्कूल में मैं गया यहाँ, वहाँ पर बुलिंग का प्रचलन इतना कुछ ज़्यादा था नहीं. और दूसरा, आई वाज क्वाइट पॉपुलर, तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मुझे बुली किया हो. लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जिन्हें इसका सामना करना पड़ा स्कूल में, कॉलेज में, और मुझे पता है कि इमोशनली और मेंटली उनको कितना इफ़ेक्ट हुआ इसका. यू नो, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, यू फील हेल्पलेस, यू डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, क्योंकि आपको लगता है कि आप स्कूल जाओगे तो बच्चे आपको चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका. तो ये बहुत एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है जो आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी आपको ये इफ़ेक्ट करता रहता है.
सो आई फील लाइक एज अ सोसाइटी यू नो वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस. और ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है, बुलिंग हैपन्स एट होम ऑल्सो, इट हैपन्स इन आर वर्क प्लेसेज ऑल्सो, यू नो. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप, एंड एज अ सोसाइटी we need to create more awareness about this and stand up against this. Kis tarike se deal karna chahiye aapke according agar aisa kuch hota hai to? Ji, I think you know agar school colleges ki baat kare to ise side step nahi karna chahiye. School colleges mein bahut bar aksar hota hai ki ye to hota rehta hai, yahan ek bahut stupid cheez hai ki bacche isse tough ho jayenge. Hamare sath bhi hua tha, hum tough hue, bacche aur tough ho jayenge. Ye sab nahi hona chahiye. I think institutions need to step in and have very very solid rules. And I think as individuals, as much as we can stand up to it and say ये गलत है, और चाहे आप आपके साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा हो, if we can stand up against it, I think that those will be, you know, positive steps in the right direction. Also film boarding school के बारे में भी बताते हैं, और आप भी boarding school से रह चुके हैं, तो आप बताइए कि personally कुछ reference personal जो आपके साथ में कभी कुछ हुआ है उस चीज़ को film में बताया है आपने, या फिर ऐसा? एक्चुअली आई लाइक हिम, मैं भी बहुत लकी थी, खुशकिस्मत थी, बुरी तरह से बुली कभी नहीं हुई. एक इंसिडेंट है, लेट मी पुट इट दिस वे, जो सबसे पहला उसका शॉट है क्या ट्रेलर में? हाँ है, वो शॉट है, वो जो कांटा डाला हुआ है बाथरूम में, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन वो एक इंसिडेंट गर्ल्स हमारे गर्ल्स स्कूल में, बट दिस इज़ बैक इन द 80s. आई एम अ ओल्ड पर्सन, 83 to 94, बट समवेयर देयर आई रिमेंबर there was a really bad bully in school. Wo senior ye karti thi, she used to put fork down people's mouths, or she used to tell student ki jao nalka nikal ke le aao. Ab nalka aap nahi nikal sakte apne haath se, to puri raat aap bas nalka nikalne ki koshish kar rahe ho. Aur but hamara school also was very interesting us time. Jo principal thi, to solve this bullying problem, she made the biggest bully the school captain. And the school captain could not bully anymore. So she turned out to be one of the best, strictest school captains instead. So that was an interesting way our teacher used to transform this girl. They gave responsibility in the hands of this bully, and she changed actually. Okay, film ke agar shoot ki baat kare to Mussoorie mein shoot kiya gaya hai. Ji. To kis kaisa raha pura experience overall Mussoorie ka? Ji, ठंड बहुत ज़्यादा थी. हाँ, बहुत ज़्यादा थी. कुछ -5 था शायद, -4 -5, और हम सब बोर्डिंग स्कूल्स में रह रहे थे. जहाँ पे शूटिंग हुई है वहीं पे रह रहे थे सब लोग. और इट वाज लाइक गोइंग बैक टू स्कूल. आप मतलब सुबह सुबह 5 बजे बाल्टी लेके खड़े हैं लाइन में नहाने के लिए, मेस में खड़े हैं खाना खाने के लिए. सो इट वाज, आई मीन इट वाज चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. सेम. तो आई मीन आई थिंक ठंडी बहुत थी, एंड हम लोग सब बोर्डिंग स्कूल में रह रहे थे, डॉम्स में, नेक्स्ट टू ईच अदर, नो प्रिवेसी. कईयों ने हमने प्रिवेसी बनाई थी बाय पुटिंग अ दुपट्टास बिटवीन ईच अदर, बट वी वर ऑल रियली बैक टू स्कूल. वो टफ भी था बिकॉज काफ़ी मेरे क्रू के लोग बुजुर्ग लोग भी थे, 70-72 ईयर ओल्ड. सो इट वॉज टफ ऑल्सो, लेकिन आई थिंक हम सबको बहुत मज़ा आया. छोटा सा यूनिट था, बहुत हिल मिल के काम किया है. And so it was good fun. Was it difficult to like shoot with kids, jo kids the experience? No, not at all. Jaise maine kaha ki kyunki humne ek workshop kar chuke the uske pehle, aur hum log sab saath mein rahe the, acting workshop ki thi, acting exercises ki thi, to nahi, bilkul bhi nahi. Ye workshops and all kitne samay pehle se aur kitne time? 2 weeks ke liye humne kiya, all the children, jo 5 bacche hain is film mein, and Kunal together. And we for 2 weeks in Bombay, रोज हम लोग मिलते थे, रोज कुछ करते थे, along with acting coach Prashant Singh for the first 4-5 days. उसके बाद we took over on our own. And yeah, and थोड़ा सा मसूरी पहुँच के, थोड़ा सा बच्चों के साथ. Also हमारे पास besides the 5 main kids, you will see, क्योंकि school है, you have to show all the other children. So there are some hundreds of other children who are also there. उनके साथ भी थोड़ी सी वर्कशॉप्स की, क्योंकि कुछ सीन्स थोड़े डिफिकल्ट थे, तो टू सेंसिटाइज देम कि देखो ये हम सिर्फ सीन कर रहे हैं, ये असली में नहीं हो रहा है, तो उनके साथ भी करनी पड़ी कुछ वर्कशॉप्स. कुणाल वंदना किस तरीके की डायरेक्टर है? किस तरह की? बहुत अच्छी डायरेक्टर. यहाँ पर शांत लगती हैं, वहाँ पर उतना शांत नहीं है. इनकी एनर्जी लेवल कुछ 10 गुना बढ़ जाती है. और
यू नो व्हाट्स वेरी नाइस अबाउट हर इज़ कि मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना वो जानते हों कि उनको क्या चाहिए क्योंकि एज एन एक्टर यू फील लाइक यू ऑन द राइट हैंड्स लेकिन एट द सेम टाइम शी ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो नोइंग वॉट यू वॉन्ट बट ऑल्सो बींग डेमोक्रेटिक इनफ कि दूसरों को फ्रीडम देना हाँ मुझे लगता है अप्रिशिएशन तो मिलेगा क्योंकि कैरेक्टर मैंने जैसे कहा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं जो थोड़ा रिबेलियस हों अनऑर्थोडॉक्स हों जो सोसाइटी को देखें और कहें कि इन इसमें ये चीज़ें सही नहीं हैं और हमें अलग तरीके से करनी चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को वो सब पसंद आएगा इस कैरेक्टर के अंदर एंड इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ जेंटल कैरेक्टर इज़ अ वेरी काइंड मैन और जैसा वंदना ने कहा कि एक मिस्ट्री भी है कैरेक्टर में क्योंकि आप जानते नहीं हैं कौन है कहाँ से आया है उसके बारे में बातचीत होती रहती है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं उसके बारे में लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं कौन है कहाँ से आया है ओके ऑल्सो यू नो जानना चाहेंगे कि एक टाइम के लिए आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था फिर अभी आप कर रहे हैं मूवीज कर रहे हैं अच्छे एक्टर हैं उसके बावजूद क्या वजह रही कि यू नो आपने ज़्यादा फिल्में नहीं की बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं क्योंकि जिस तरह की फिल्में मुझे चाहिए थी वो उस तरह की फिल्में मिली नहीं जिस तरह के रोल मैं करना चाहता था उस तरह के रोल मिले नहीं और मैंने डिसाइड किया था कि मैं काम सिर्फ काम करने के लिए नहीं करूँगा मैं वही काम करूँगा जिसमें मेरा दिल होगा या मुझे जिसमें एक्साइट जो काम एक्साइटिंग लगे तो उस तरह का काम मिला नहीं तो इसलिए मैंने कम काम किया लेकिन अब वो बदल चुका है मुझे लगता है अब जिस तरह का काम मैं ढूंढ रहा था उस तरह का बहुत सारा काम आ रहा है मेरी तरफ तो यू विल सी अ लॉट मोर इफ यू कैन टेल अस कि किस तरीके का काम चाहते थे जैसे नहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं इस तरह का जॉनर का काम चाहता हूँ कि यही रोल करूँगा कि यही तरह की पिक्चर करूँगा लेकिन आप जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते या ये कैरेक्टर कोई नया कैरेक्टर है कि कोई आपको वही कैरेक्टर प्ले करवाना चाहता है जो आप पहले चार बार कर चुके हैं तो वो सब मुझे लगता है कि इट्स अ इंस्टिंक्टिव डिसीजन इट्स नॉट समथिंग दैट यू सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट शायद मैं डायरेक्ट करूँगी आई हैवन्ट साइन द डॉटेड लाइन इसलिए उससे ज़्यादा बता नहीं सकती और अपना मैं एक डिवेलप करने की जस्ट सोची हूँ तो एक इनिशियल आइडिया लिखा है अभी उस पर काम करना पड़ेगा जी बिल्कुल I've also been reading a lot of scripts. There's one that I've really liked. तो hopefully in the next 10-15 days we'll be able to lock that. Don 2 के हिस्सा रह चुके हैं, Don 3 के हिस्सा रहने वाले हैं कि नहीं? अभी पता नहीं मुझे बननी चाहिए पिक्चर पहले अभी तक मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई कि पिक्चर बन रही है नहीं बन रही मैं उसका हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ अगर बनेगी और अच्छा रोल होगा ज़रूर करूँगा हाँ अभी मैंने एक पिक्चर ख़त्म कर रहा हूँ जिसका नाम है कोई जाने ना वो टी सीरीज़ की प्रोडक्शन है और नए डायरेक्टर हैं अमीन हाजी उनकी पिक्चर है एंड आई हैव अ चांस टू डू समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट और यू नो आपका डायरेक्शन वगैरह में जाने का इरादा है कभी नहीं अभी फिलहाल तो एक्टिंग अभी आप कह रहे थे कि आप एक्टिंग इनफ करते नहीं अब मैं करने वाला हूँ फिर आप बोले डायरेक्शन कीजिए तो अभी मैं एक्टिंग ही करता हूँ मतलब इन फ्यूचर है कुछ ऐसा होगा मुझे लगता है कि वो जैसे आई स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर तो वो जो जैसे कहते हैं कीड़ा वो तो है ज़रूर फिलहाल मैं कुछ कहानियों पर काम कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ जिसमें जो मैं एक्ट करना चाहूँगा जिसमें प्रोड्यूस करना चाहूँगा शायद नेक्स्ट स्टेप लॉजिकल जो होगा वो होगा डायरेक्शन का बहुत सारे एक्टर्स आई मीन फ्रॉम द न्यू गाइज सो मेनी आई मीन रणवीर आई हैड अ चांस टू वर्क विद ब्रीफली रणवीर इज अमेजिंग वरुण फ्रॉम द ओल्डर गाइज आमिर विकी आमिर आई वुड लव टू वर्क विद अगेन आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऋतिक ऋतिक इज अ फ्रेंड फैंटास्टिक एक्टर वुड लव टू वर्क विद हिम सो मेनी ऑफ देम ओके सो अपनी फिल्म के बारे में हमारे ऑडियंसेस से कुछ कहना चाहेंगे
प्लीज़ जाके देखिए एंड प्लीज़ हमें फिर बताना कैसी लगी. हाँ बस बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्लीज़ जाके देखिए और होपफुली आपको मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आया तो हमें बताइएगा कितना मज़ा आया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.